कभी आपने सुना है एक माँ अपने बेटे को पहचान ना सके? हाँ, वो भी अच्छा वाला जवान हट्टा कट्टा बेटा, नहीं हो सकता ना। यहाँ भी यही हुआ। जो केस हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं उसमें भी एक माँ ने अपने बेटे को पहचान लिया। उसने अपने बेटे को एक मॉल में देखा और उसे देखते ही वो बेहोश हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो उसका बेटा था, क्योंकि क्योंकि उसका बेटा तो 2 महीने पहले मर चुका था। माँ का जो हाल हुआ सो हुआ, ये सोचो हमारा क्या हुआ होगा जब हमने उसकी लाश और उसे साथ साथ देखा। आइए देखिए, आप भी देखिए। मेरा बेटा यहाँ पर ये कैसे हो सकता है? मेहुल, मेहुल, मेरा बेटा, मेहुल, मेहुल बेटा, अरे अरे मेहुल, रुक जाओ बेटा, मेहुल, मेहुल रुक जाओ, मेहुल, मम्मी, थैंक गॉड आपको होश आ गया। मेहुल, मम्मी, मेहुल यहाँ नहीं है, आपको तो पता है ना, वो तो नहीं, मैंने कल मॉल में देखा था मेहुल को। मेरा विश्वास करो बेटी। मम्मी अब ठीक तो है ना? लगता है कि कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे सीआईडी को इन्फॉर्म करना ही होगा। मम्मी प्लीज, प्लीज बंद कीजिए ये सब, बार बार एक ही बात, मेहुल आपको कैसे दिखाई पड़ सकते हैं? वो तो 2 महीने पहले ही मर चुके हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ध्रुव अपने बॉडी फार्म में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये इंडिया का पहला प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो डेड बॉडीज पर काम करता है। ये लाशें अलग अलग हॉस्पिटल से यहाँ लाई जाती हैं, फिर एक खास टेक्निक से इन्हें ग्लास कैप्सूल्स में सील किया जाता है। सर क्या आप बताएंगे आपने बॉडी फार्म क्यों खोला है? आदमी की बॉडी में बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हैं, मैं चाहता हूँ कि सबको ये सब जानने का मौका मिले। एक्सक्यूज मी, नाउ यू मे प्रोसीड विद योर रिसर्च। एक्सक्यूज मी सर। यस। हेलो सर, मेरा नाम नीलेश है और मैं MIC कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तुमने भी यहाँ फॉर्म भरा है रिसर्च के लिए? नहीं सर, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके सारे नोट्स, सारे थीसिस पढ़े हैं मैंने, और सर मैंने मैंने ये मशीन बनाई है। मशीन? कैसी मशीन? एक मिनट सर। ये क्या है? सर ये मेरा बनाया हुआ डेड बॉडी डिटेक्टर है। सर इससे हमें ये पता चल जाता है कि जमीन के नीचे कहां पर लाश गड़ी हुई है। क्या बकवास कर रहे हो, हमें ऐसी मशीन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई लाश वाश नहीं दबी है जमीन के नीचे। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप प्लीज एक बार इसे देख लीजिए। मैंने कहा ना भागो यहाँ से। सर मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुमने फॉर्म भी नहीं भरा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? प्लीज सर एक बार इसे देख लीजिए। गार्ड्स, गार्ड्स, बाहर निकालो स्टूडेंट को और दोबारा अंदर मत आने देना कभी भी। सर प्लीज एक बार देख लीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, इस जगह में जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो मुझे। आप लोग इन सब बातों में टाइम वेस्ट मत कीजिए, रिसर्च चालू रखिए अपना। मामा, कौन है आप लोग? सर प्लीज
प्लीज हमारी मदद कीजिए। हाँ बताइए, क्या मदद करूँ मैं आपकी? कोई आपको परेशान कर रहा है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। पूजा मुझे बोलने दो। एक मिनट, बोलने दीजिए उन्हें। सर देखिए, इनके बेटे यानी कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। नहीं नहीं सर, उसकी कोई डेथ बेथ नहीं हुई। मैंने खुद अपने आंखों से मेहुल को देखा है। क्या, जिसकी मौत हो चुकी है उसको देखा है आपने? ये कैसे हो सकता है? सर कल सुबह जब मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी तो मैंने खुद अपनी आंखों से मेहुल को वहां पर देखा है। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। क्या आपने ठीक से पहचाना उसे? वो कोई और भी हो सकता है जो दूर से आपको मेहुल लगा हो। मैं अपने बेटे को कैसे नहीं पहचान सकती? वो मेहुल ही था। मगर आपकी बहू तो कह रही है कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है, तो फिर? हाँ सर, उनकी डेथ को 2 महीने हो चुके हैं। आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। मुझे पता है कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कल जिसको मैंने देखा था वो मेरा बेटा मेहुल ही था। हो सकता है दूर से वो मेहुल लगता हो। नहीं नहीं, वो मेरा बेटा मेहुल ही था। क्या आपको लगता है कि मैं अपने बेटे को नहीं पहचान पाऊंगी? सर ऐसा लगता है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ आप लोग क्या सोच रहे, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। हो सकता है ये सच कह रही है। नहीं नहीं याद करो, हमारे पास पहले भी ऐसे केसेस आए हैं। मैम एक बात बताइए, क्या आपके बेटे की मौत कैसे हुई? वो मेहुल एवन सुपर स्टोर में गोलियां चली थी ना, शूट आउट हुआ था, उसी में मारे गए थे। एवन सुपर स्टोर, जिसकी मौत गोली लगने से हुई, वो आपका बेटा मेहुल था? आई एम सॉरी टू से मैम, लेकिन आपका बेटा मेहुल एक क्रिमिनल था। लेकिन सर वो सुधर चुका था, उसने सारे उल्टे सीधे काम करने बंद कर दिए थे। वो बड़ी ईमानदारी से A1 सुपर स्टोर में एक नौकरी कर रहा था। एक बात पूछता हूं आपसे, आपने अपने बेटे की बॉडी को जलाया होगा ना? नहीं, मैंने उसकी बॉडी को डॉक्टर ध्रुव के बॉडी फार्म में रखवा दिया है। डॉक्टर ध्रुव के बॉडी फार्म में? मगर वो बॉडी फार्म तो गवर्नमेंट बंद कर रही है, क्यों रखे आपने अपने बेटे की बॉडी वहां पर? मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मैं उसका चेहरा देखे बिना नहीं जी सकती। हर संडे जाती हूँ डॉक्टर ध्रुव के बॉडी फार्म पर मेहुल को देखने। बॉडी फार्म का नाम तो सुना था, देख भी लिया। डॉक्टर ध्रुव हमें मेहुल की बॉडी देखनी है। ये आप लोग कौन है? हम लोग CID से आए हैं। CID? यहाँ क्या काम आ गया आप लोगों को? यहाँ तो बस रिसर्च स्टूडेंट्स और जो लोग मरे हैं उनकी फैमिलीज आती हैं। हमें मेहुल की बॉडी देखनी है। मेहुल को? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? आइए, ये एकदम सील्ड है, बाहर की हवा और पानी से बचाने के लिए। मैम अगर मेहुल की बॉडी यहां पर है तो फिर आपने इसे शॉपिंग मॉल में कैसे देख लिया? मैंने ही मेहुल को यहां रखवाया है, लेकिन मैंने मेहुल को मॉल में भी देखा था। ये बात मैंने एक बार कही है और यही बात मैं 100 बार भी कहूंगी, क्योंकि यही सच है। देखिए मैडम, जिद का तो कोई इलाज नहीं। आवाज कैसी? ये वार्निंग सिग्नल जैसी आवाज है। फिर ये आवाज आ कहां से रही है? ये आवाज बाहर से आ रही है, क्योंकि जमीन के नीचे एक लाश है। तुम अंदर कैसे आ गए? और तुमने अपना ये नाटक फिर से शुरू कर दिया? एक मिनट, डॉक्टर ध्रुव ये है कौन? हा? और ये आवाज कैसी? मेरा नाम नीलेश है और मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। एक मिनट सर। और सर ये है मेरा बनाया हुआ डिटेक्टर। सर इससे हमें ये पता चलता है कि जमीन के नीचे किस जगह में डेड बॉडी दबी हुई है। मतलब बोन डिटेक्टर? जी सर, आपने बिल्कुल ठीक समझा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि डेड बॉडी है? क्यों डॉक्टर साहब, आप जमीन के नीचे डेड बॉडी रखते हो? ये आप क्या कह रहे हैं एसीपी साहब?
वो भी एक पागल स्टूडेंट की बात पर विश्वास करके। सर ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि बाहर एक लाश दबी हुई है। अच्छा तो ठीक है, देखते हैं इसकी ये मशीन सच बोलती है या नहीं। आप इस बच्चे के कहने पर मेरा बॉडी फार्म बर्बाद कर रहे हैं। ये बॉडी फार्म एक म्यूजियम है और यहाँ पर रिसर्च होती है। देखते हैं ये लड़का सच बोल रहा है या नहीं, और अगर कुछ नहीं निकला तो खराब पब्लिसिटी होगी, मेरा ये बॉडी फार्म बंद हो जाएगा। वैसे ये आप लोग मुर्दे रखते क्यों हैं? आप नहीं समझेंगे, जाने दो। सर 4 फीट का गड्ढा खोद दिया सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। थक गए फ्रेडरिक्स? हाँ सर, अब नहीं सर। लेकिन सर सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब डेड बॉडी यही होनी चाहिए। अबे तुम्हारी मशीन खराब है, किसी और चीज का सिग्नल होगा। सर यहाँ पे कुछ तो है, मतलब ये लड़का सच कह रहा है। सर सर डेड बॉडी यही होगी। अरे तो तू आना, खोद ले तू ही। यहाँ पे एक लंबा सा काला बैग है सर। ये यहाँ कैसे आया? मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है बैग यहाँ पे कैसे आया। ये डायलॉग हम लोगों ने कई बार सुना मिस्टर ध्रुव, सीआईडी ब्यूरो में पहुंचकर हर क्रिमिनल का सुर बदल जाता है। देखिए मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए, यही सड़के का प्लान है मुझे फंसाने का। इसी भी साथ प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। देखते हैं, वे जल्दी खोलो इसे। अरे ये तो मेहुल, लेकिन वो तो, पर ये कैसे हो सकता है? मेहुल तो वहाँ ग्लास में बंद है ना, दो दो मेहुल एक ही जगह पर कैसे? ये हो क्या रहा है? एक मेहुल वहाँ ग्लास कैप्सूल में और दूसरा मेहुल यहाँ पर। बेचारा अच्छा वाला जमीन के अंदर सो रहा था, लेकिन आपने उसे वहां भी चैन से सोने नहीं दिया। यार सड़न के ड्रामा बंद करो और ये बताओ ये आदमी मरा कैसे? एक दिन पहले बेचारा जमीन के अंदर सोने के लिए गया था। एक दिन पहले सोने क्या था? मतलब इसने आत्महत्या की है? नहीं सर, किसी ने गला दबाकर इसका खून किया। इसका खून एक दिन पहले हुआ है, इसका मतलब मेहुल की माँ सही कह रही थी सर कि उसने सुपर स्टोर में अपने बेटे यानी इसको देखा था। लेकिन सर एक ही आदमी दो दो बार कैसे मर सकता है? और वो भी दो दो लाशों के साथ, दो बार अलग अलग मारा गया और दोनों बार अलग अलग लाशें। दूसरी एक बात, अगर मेहुल की माँ ने उसे शॉपिंग मॉल में देखा था तो फिर एक दिन में ये 4 फुट जमीन के अंदर गया कैसे? ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है बॉस। एक मेहुल गोली खाकर मरा और दूसरे को गला दबाकर मारा गया, पर दोनों में से ये असली मेहुल कौन है? सर शायद ये मेहुल का मेले में बिछड़ा हुआ कोई जुड़वा भाई होगा। एसीपी साहब प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। ये डेड बॉडी इसी नीलेश ने वहां पे दबा दी होगी, फिर वो मशीन लेकर के आ गया। इसको पता था पहले से कि वहां पर एक लाश दबी हुई है। सर आप बिना किसी बात के मुझे क्यों फंसा रहे? और मैंने वो मशीन जमीन में से लाशें निकालने के लिए बनाई थी, ना कि जमीन में लाशें छिपाने के लिए। तुम और तुम्हारी मशीन, दो चार टुकड़े जोड़ करके साइंटिस्ट बनना चाहते हो? तुम्हें पब्लिसिटी के लिए कोई और जगह नहीं मिली? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बहुत पहले से आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। देखो डॉक्टर ध्रुव, वैसे भी तुम्हारा ये जो बॉडी फार्म है ना, गवर्नमेंट उसे बंद करने वाली है, बहुत जल्दी ताला लगने वाला है उसे, समझे? आपको कुछ तो अंदाजा होगा ये बॉडी आपके फार्म में पहुंची कैसे? आपके बॉडी फार्म में आपके परमिशन के बिना किसी बॉडी को दफना नहीं सकते। बताइए क्या प्रॉब्लम थी आपको इस मेहुल से? अरे सर मैं तो इसे जानता तक नहीं था। सर के पैंट के पॉकेट में से ये पुराना बिल मिला। लगता है पानी की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला हो गया है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। A1 SPR ST। बॉस मुझे लगता है ये है A1 सुपर स्टोर। सर ये A1 सुपर स्टोर ये वही है जहाँ पे ये पहला वाला मेहुल काम करता था। एक मेहुल A1 सुपर स्टोर में काम करता है, उसी A1 सुपर स्टोर का बिल दूसरे मेहुल के पैंट के पॉकेट में मिलता है, तो फिर इन दोनों में से असली मेहुल कौन है? वो जिसकी लाश हमें उस ग्लास कैप्सूल में मिली थी, या फिर ये जिसे हमने जमीन में से खोद के निकाला?
क्या excuse me, आप मैनेजर? जी हाँ, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ये मेहुल यहीं पर काम करता था ना? मेहुल? लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से आए हैं। आप क्या बता रहे थे मेहुल के बारे में? जी मेहुल यहीं काम करता था, लेकिन इस बात को तो काफी वक्त हो चुका है। 2 ही महीने हुए ना, क्यों? और इतना भी टाइम नहीं हुआ कि आप सब भूल जाएं। उसकी मौत यहीं पे हुई थी ना? देखिए, मैं इस बारे में पुलिस को पहले ही काफी कुछ बता चुका हूँ, और मेरे स्टोर की भी काफी बदनामी हो चुकी है। देखो, हम सिर्फ ये मालूम करना चाहते हैं कि मेहुल की मौत हुई कैसे। जी वो दरअसल मौत कैसे हुई थी उसकी है? मैं आपको सब कुछ दिखाई देता हूँ। क्या दिखाता हूँ? कैसे? देखिए, यहाँ चारों तरफ काफी सीसी कैमरास लगे हुए हैं। देखिए सर, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। हम तो सिर्फ यहाँ की सिक्योरिटी देखते हैं। अच्छा, तो तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तुम्हारे होते हुए ये डेड बॉडी यहाँ पे कैसे आई? लेकिन सर, ये बॉडी फॉर्म तो लाशें रखने के लिए बनाया गया है। यहाँ तो डेड बॉडीज हमेशा आती रहती हैं। आखिरी बार ये लाश वाली एम्बुलेंस कब आई थी यहाँ पे? सर तकरीबन 10 दिन पहले। एक पेरिस की बच्ची थी। अच्छा, कल रात कितने स्टूडेंट आए थे यहाँ पे? देख, एक मिनट सर, इसे मुझे रजिस्टर देखना पड़ेगा। वैसे मेरे ख्याल से करीब 30 से 40 स्टूडेंट्स रहे होंगे। कोई स्टूडेंट कुछ भारी सामान लेकर आया था क्या? नहीं, हम स्टूडेंट्स को सिर्फ उसकी बैग के अलावा और कुछ भी अंदर लेके नहीं जाने देते। अगर कोई स्टूडेंट कुछ भारी सामान लेकर नहीं आया और अगर कोई एम्बुलेंस नहीं आई कल रात को, तो फिर ये लाश यहाँ पे आए कैसे? एक मिनट सर, एक लड़की आई थी, उसके हाथ में एक भारी सूटकेस था। कहीं बाहर से आई थी, शायद पहली बार आई थी। क्या कहा तूने, लड़की? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस लड़की से वो सूटकेस उठाया भी नहीं जा रहा था। हमने उस लड़की से पूछा भी इस सूटकेस में क्या है, तो उसने कहा एक्सपेरिमेंट का सामान है। उसके बाद यहाँ की बिजली चली गई, हम लोग दोनों लाइट का फ्यूज डालने के लिए नीचे चले गए। मिल गया विवेक, ये लड़की ही लाश उठाकर यहाँ लाई थी। तुम दोनों उस लड़की का हुलिया बता सकते हो? हमें उसका स्केच बनवाना है। आदमी कौन था जो चोर को पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा था? अमोद था सर, पागल ही था। अगर उसने उस दिन ये हरकत नहीं की होती तो शायद आज मेहुल जिंदा होता। देखो, जो बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं शायद आपको उठपटांग लगे, लेकिन क्या ये मेहुल वापस आया था इस हादसे के बाद? क्या, ये कैसा सवाल कर रहे हो? सर मैंने अभी अभी आपको बताया कि उस हादसे में मेहुल की जान चली गई थी, फिर भला वो वापस कैसे आ सकता है? हाँ डॉक्टर सारंग है, डॉक्टर ध्रुव के फिंगरप्रिंट्स। अच्छा चलो ठीक है, ओके। डॉक्टर ध्रुव के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, हमारा खूनी कोई और ही है। और डॉक्टर सारंगे हमें कोई सरप्राइज देना चाहता है। वो चॉकलेट कहाँ है? कौन सी चॉकलेट? अरे वही जिसे देखकर तुम उछल रहे थे। बस मैंने कोई चॉकलेट नहीं देखी। वैसे आपको क्या लगता है, यही वो आदमी है मेहुल? क्यों, तुमने उसका नाम बदल लिया क्या? अरे नहीं यार, एक मिनट, ये जरा देखो, ये देखो, प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, शायद थोड़े ही दिन पहले करवाई है इसने प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन इसे प्लास्टिक सर्जरी करने की क्या जरूरत पड़ी? बॉस, कोई मामूली प्लास्टिक सर्जरी नहीं, पूरा चेहरा बदलवाया इसने। इसने मेहुल का पूरा चेहरा बनवाकर अपने चेहरे पर पहन लिया। तो ये नकली मेहुल है, असली मेहुल 2 महीने पहले मर चुका है। फ्रेडरिक्स? हाँ फ्रेडरिक्स, क्या लड़की बॉडी फार्म में? हो अच्छा ठीक है, एक काम करो, उस गार्ड से पूछो और उसका स्केच बनवाओ। हाँ, लड़की का स्केच, और ले आओ। ओके
पर डॉक्टर साहब, ये ऊपर का मेहुल का नकली चेहरा उतार कर इसका असली चेहरा देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद इसकी ऊपर की स्किन थोड़ी लूज हो गई। तो शुभकामनाएं दे रही क्यों? सड़ूंगे, क्या इसका ये सही चेहरा हम देख सकते हैं? मेरा मतलब है, पता चल सकता है ये है कौन? हाँ, कर सकते हैं। मैं इस चेहरे को कंप्यूटर में डाल के ठीक ठाक करता हूँ। कोई आदमी किसी दूसरे आदमी का चेहरा क्यों लगाएगा? सर, हो सकता है ये नकली मेहुल अपना चेहरा छुपाना चाहता हो, कहीं से क्राइम राइम करके भागा होगा, पुलिस पीछे लगी होगी तो। हाँ, लेकिन अभिजीत, मेहुल तो एक क्रिमिनल था और ये बात उस दूसरे आदमी को भी तो मालूम होनी चाहिए। सर, ये आदमी या तो बहुत स्मार्ट है या फिर एकदम पागल है सर, या फिर उसे ये नहीं मालूम था कि मेहुल पहले क्रिमिनल था। दया, ये इतना आसान सवाल नहीं है, कुछ और है इसमें, कुछ और तो चक्कर है। डॉक्टर तारिका, ये जो स्पॉट देख रही है ना, ये किसी एक्सपर्ट सर्जन ने काट करके अलग किया है। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी भी स्टैचू बनाने जैसा मुश्किल काम है। बिल्कुल, और वो भी जीते जागते इंसान का स्टैचू। पर अब मुझे इस सर्जन की मेहनत को एकदम बर्बाद करना है। मतलब सर्जन ने मेहुल का चेहरा सेट करने के लिए जो जो हिस्से अलग किए हैं, आप उसे फिर से लगाएंगे? करेक्ट सर। सो उस वॉचमैन से हमने स्केच बनवा लिया है सर, ये देखिए। ये लड़की है कौन? ये बोट कैसा लग रहा है आपको? नहीं सर, नेचुरल कलर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस आदमी का नीचे वाला होंठ थोड़ा मोटा था। कोई बात नहीं, अभी ठीक करता हूँ। सर, उस आदमी ने अपना चेहरा छुपाने के लिए मेहुल का चेहरा लगा लिया था, तो सवाल ये भी है कि इस लड़की ने उसे मेहुल समझ के मारा है या फिर वो उसका असली चेहरा पहचान गई थी? इंटरेस्टिंग अभिजीत, वेरी इंटरेस्टिंग। ये बात तो सिर्फ ये लड़की ही बता सकती है। डॉक्टर सारंगे, वंडरफुल, उसका असली चेहरा बन गया। ठीक है, हम अभी आते हैं। आइए एसीपी साहब, मैं दिखाता हूं आपको मेहुल का असली चेहरा। ये देखिए, ये है वो आदमी। ये समझ में नहीं आता मेरी याददाश्त को क्या हुआ है। मैंने इस आदमी को देखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मैंने कहां देखा है इसे। नहीं सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस आदमी का चेहरा आपने मुश्किल से 5-6 सेकंड के लिए ही देखा है। सर, इसकी शक्ल उस आदमी से मिलती है जिसने A1 सुपर स्टोर में उस चोर को पीछे से पकड़ने की कोशिश की थी। अमोद नाम बताया था सर इसका, उस स्टोर के मालिक ने। अमोद, यही है वो दूसरा मेहुल। सर, अमोद की गलती से मेहुल की जान चली गई थी, पता नहीं क्यों इसने मेहुल का चेहरा अपने ऊपर लगा लिया। हाँ, इसे मालूम था कि मेहुल तो इस दुनिया में है नहीं और ये मेहुल बनकर कुछ भी कर सकता है। मेहुल तो एक बड़ा क्रिमिनल था, और अगर अमोद ने एक क्रिमिनल का चेहरा चुरा लिया तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ा प्लान होगा। मगर सर, अब ना तो अमोद जिंदा है और ना ही ये मेहुल, दोनों ही मर चुके हैं। एक काम करो, इस A1 स्टोर के मालिक से पता करो कि उसने किस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की है, वहीं से हमें पता चल जाएगा इस अमोद के बारे में। D35 इसी लाइन में होना चाहिए।
33, 34 शायद ये या D35। घर तो बंद है। किससे मिला है आप लोगों को? ये अमोद का घर यही है ना? हाँ, रहता था। ताला लगा हुआ है। कोई फैमिली मेंबर नहीं है क्या यहाँ पे? और किसी को तो देखा नहीं। उसकी पत्नी सुधा के साथ रहता था वो। ये सुधा कहीं पे काम करती थी क्या? अब तो सुधा भी यहाँ नहीं रहती। अमोद घर छोड़कर चला गया। उसके एक आध हफ्ते बाद वो भी चली गई। बहुत परेशान लग रही थी। पता नहीं क्या बात थी। ये सुधा आप कहाँ रह रही हैं, कुछ बता सकती हैं आप? किसी को कुछ बता कर नहीं गए। पता नहीं, वैसे भी किसको फुर्सत है ये सब। सुधा भी घर छोड़ के चली गई है। एक काम करते हैं, घर के मालिक से परमिशन लेके घर चेक करते हैं। शायद अमोद के बारे में कुछ और जरूरी बात पता चल जाए। लेकिन ये अमोद घर छोड़ के गया क्यों होगा? क्या ये सुपर स्टोर वाला एक्सीडेंट हुआ था 2 महीने पहले? तो 2 महीने पहले अमोद ने चेहरा बदला होगा और मेहुल का चेहरा लगवाया होगा, इसीलिए वो घर छोड़ के चला गया यहाँ से। और अगर वो घर छोड़ के नहीं जाता तो पड़ोसियों को पता चल जाता। लेकिन उसकी पत्नी सुधा को कैसे पता नहीं चला? सुधा भी तो अमोद के जाने के एक हफ्ते बाद चली गई है। हो सकता है वो भी मिली हुई उसे। सर, पर वो औरत तो कह रही थी कि अमोद के जाने के बाद सुधा काफी परेशान थी। अरे, सबको दिखाने के लिए नाटक किया होगा। जैसे मौका मिला चली गई वो। एक मिनट, जरा हवा में तीर छोड़ रहा हूँ, लेकिन जरा सोचो। सुधा को सच में कुछ नहीं मालूम अमोद के बारे में, तो उसने अमोद के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में जरूर लिखवाई होगी। और अगर रिपोर्ट लिखवाई है तो हमें वहां से पता चल सकता है कि ये सुधा इस वक्त कहाँ रह रही है। अभिजीत, दया, पिछले 2 महीनों में जितने भी आदमी और औरतें घर से गायब हुई है, उन सबके रिपोर्ट चेक करो और देखो उसमें अमोद का नाम है क्या। यस सर। अगर उसकी बीवी ने उसके घर से गायब होने की रिपोर्ट किसी पुलिस स्टेशन में लिखवाई है तो ठीक है, वरना हमें यह भी पता चल जाएगा कि इस अमोद और मेहुल के चक्कर में उसका भी हाथ है या नहीं। सर, अमोद की वाइफ ने अपना काम किया सर। अच्छा, रिपोर्ट लिखवाइए उसने। क्या एड्रेस क्या है? सर, ये रहा एड्रेस, 23 कनिष्का सोसाइटी, MG रोड। पर सर, ये वो जगह नहीं जहां हम लोग गए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये वो जगह है जहां पर इस अमोद की बीवी सुधा अब रह रही है। जाकर देखो वहां पे। सर, ये घर तो काफी खाली खाली लग रहा है सर। लगता है सुधा जाने के वक्त घर का काफी सामान अपने साथ लेकर गई है सर। फिर भी चेक तो करना ही पड़ेगा। छोटी सी छोटी चीज भी हमारे काम आ सकती है। लेकिन सर, अमोद तो मर चुका है और सुधा घर छोड़कर चली गई है, फिर हम यहाँ ढूंढने क्या आए हैं सर? अरे यार, मुझे पता होता कि हम लोग क्या ढूंढ रहे तो मैं ताला तोड़कर अंदर क्यों आता? एक बात बता, तू हमेशा मेरी टेस्ट लेने पे क्यों चला रहता है? नहीं सर, वो तो बस मैं ऐसे ही सर। नहीं, बताओ, ऐसे ही वैसे ही मत करो। तुम ये सब बातें ACP अभिजीत और दया को क्यों नहीं पूछते? वो तो सीनियर ऑफिसर्स है सर, इंटेलिजेंट है। और मैं गधा? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं अपने मुंह से तो नहीं बोल सकता हूँ। मतलब दिल में है लेकिन बोलने से डर रहे हो? जी सर। फिर ठीक है, अब कुछ करो, चलो। अरे, ये क्या छुपा के रखा है? ये फोटोज यहां पे किसने डाले? मेहुल की डायरी। मेहुल की ये डायरी यहां अमोद के घर में क्या कर रही है? ये फोटोज है किसकी?
कहीं ये सुधा तो नहीं है? हाँ दिखाओ जरा, अमोद के घर से क्या मिला है? ये देखिए सर, कुछ फोटोज मिले हैं। लड़की का चेहरा तो कहीं देखा है? विवेक वो जरा स्केच देना जो बॉडी फॉर्म वाले गार्ड ने बनवाया था। सर ये डायरी भी मिली है मेहुल की। मेहुल की डायरी अमोद के घर में? आईने के पीछे छुपा कर रखी हुई थी साबंद ने। डायरी तो मेहुल की है, पर ये अमोद के घर में कैसे पहुंची? मौका मिलते ही चुरा ली होगी कहीं से। एक तो ये अमोद, इसने मेहुल की डायरी चुरा ली, ऊपर से उसका चेहरा भी चुरा लिया। वैसे भी ये मेहुल तो एक क्रिमिनल था, ऐसे आदमी का चेहरा चुराने से क्या फायदा? वही तो, लोग तो क्रिमिनल के नाम से दूर भागते हैं, इसने मेहुल जैसे क्रिमिनल का चेहरा अपने मुंह पे लगा लिया। सो और एक बात है, इन फोटोज के पीछे कुछ लिखा है, कोई मैसेज, लेकिन हैंडराइटिंग काफी खराब है सर। फ्रॉम एना टू मेहुल, इतने प्यार से लिखा और तुम कह रहे हो हैंडराइटिंग गंदी है। लगता है ये एना मेहुल की गर्लफ्रेंड होगी, तभी तो उसने अपनी खुद की फोटो मेहुल को दी। मगर सर मेहुल तो पहले से शादीशुदा है, ऊपर से गर्लफ्रेंड। किसने किसका चेहरा लगाया, कौन किसके चक्कर में पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये एना की फोटो है, ये वही लड़की है जो बॉडी फार्म में एक बड़ा सा सूटकेस लेके गई थी, तो सवाल ये उठता है कि वहां पे कर क्या रही थी। एक बात है बॉस, इस अमोद ने मेहुल का चेहरा चुराया और उसके बाद उसकी डायरी चुरा ली, और उसके पास मेहुल की गर्लफ्रेंड का फोटो भी है। हो सकता है अमोद मेहुल बनकर एना से मिलने गया हो। अगर अमोद और एना के बीच में कुछ चक्कर है तो हो सकता है उसकी वाइफ को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। पुलिस स्टेशन से सुधा का एड्रेस तो मिल ही गया है, उसी से चल के पूछते हैं वो एना को जानती है या नहीं। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से आए हैं। मतलब अमोद के बारे में पता चल गया? आप लोग अमोद के बारे में बात करने आए ना? जी हाँ, हम अमोद के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। प्लीज जल्दी से बताइए, मैं पिछले एक महीने से उनका इंतजार कर रही हूँ। मैंने मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि वो अचानक कहाँ गायब हो गए। जब से अमोद गए हैं उन्होंने आपसे कभी कांटेक्ट किया? कोई फोन कॉल, कोई लेटर? मैं परेशान हो गई हूँ लोगों के इन सवालों का जवाब देते देते, और लोगों को भी तो बहुत मजा आता है ना ये सब सवाल पूछने में। और एक तरफ अमोद, जिसे मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया। क्या बताऊं लोगों को कि मेरे पति अचानक घर छोड़कर क्यों चले गए? देखिए हमें ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हम आपके लिए एक बुरी खबर लेकर आए हैं। अब बहुत बुरी खबर क्या हो सकती है? लगता है अमोद की मौत हो गई है, हमें उसकी बॉडी मिली है। कैसे हुआ ये? हम ही पता लगाना चाहते हैं कि अमोद का खून कैसे हुआ है। खून? अमोद का खून हुआ है? देखिए सुधा जी, क्या आपको मालूम है कि अमोद जहाँ काम करता था, एवन सुपरमार्केट में, वहां पर एक खून हो गया था? जी हाँ, उसी केस ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अमोद को न जाने उसके बाद क्या हो गया, एकदम बदल गया था वो। बदल गया मतलब आप लोगों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? जी नहीं, अमोद हमेशा चुपचाप रहने लगा था, किसी भी बात का जवाब नहीं देता था और अपने आप को कमरे में बंद रखता था। फिर अचानक एक हफ्ते के बाद वो घर से गायब हो गया। एक मिनट, आप जरा ये डायरी देखिए, इसको पहले कभी देखा है आपने? जी नहीं, पर ये हैंडराइटिंग तो अमोद की है, पर मैंने इस डायरी को पहले घर में कभी नहीं देखा। Are you sure ये अमोद की राइटिंग? जी हाँ। ये क्या चक्कर है, मेहुल की डायरी और हैंडराइटिंग अमोद की? डायरी मेहुल की है? ये मेहुल कौन है? आप जरा ये फोटो देखिए, इस लड़की को आपने पहले कभी देखा? जी नहीं, कौन है ये और अमोद से इसका क्या लेना देना? इस लड़की का नाम एना है। एना, ये नाम मैंने कहीं सुना है। ठीक से याद करिए, आपने कहाँ सुना है? जी हाँ, जब एवन सुपरस्टोर में खून हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमोद अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था, एक दिन
अमोद ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था और मैं उसको खाना खाने के लिए बुलाने गई तो। बात समझने की कोशिश करो है ना, मेरा गला कुछ नहीं थोड़ा सा खराब है, दैट्स इट। तुम तो जानती हो है ना मैंने कितनी मुश्किल से जिंदगी की शुरुआत की है, इस नई जिंदगी की। नहीं नहीं तुम यहाँ पे मत आना, एक दो महीने रुक जाओ, दैट्स इट, मैं सब ठीक कर दूंगा। और है ना मैं तुमसे मिलने आऊंगा ना, हाँ आऊंगा मैं तुमसे मिलने, हाँ वही बीच हाउस वाले बंगलों का। मुझे तभी लगा था कि कुछ गड़बड़ है, मैंने जब अमोद से पूछा तो उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा कि वो अपने ऑफिस के किसी दोस्त से कुछ बात कर रहा है। लेकिन आपने फिर कभी ऐना के बारे में कभी कुछ सुना या देखा कभी? आप इस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कहीं मेरे पति का इस लड़की से अफेयर तो नहीं था? कुछ तो था पर क्या चक्कर था पता नहीं, माफ कीजिएगा आपको तकलीफ दी, बुरी खबर दी आपको। अभी हम लोग चलते हैं, ये हमारा कार्ड है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। जी ये बात तो साफ है कि मेहुल के मौत के बाद यह अमोद मोहिल की जिंदगी जीना चाहता था, इसीलिए उसने मेहुल का चेहरा बदला, मेहुल बनकर ये डायरी लिखी, ये लेटर्स लिखे और मेहुल बनकर ही वो उसकी गर्लफ्रेंड से भी मिला। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों होगा, वो ऐना को फंसाना चाहता था? क्या पता क्या करना चाहता था, ऐना से ही पूछना पड़ेगा। सुधा ने बताया ना कि अमोद ऐना से मिलने के लिए उसके बीच हाउस वाले बंगले में जाने वाला था। मतलब हमें बीच पर एक एक बंगले को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए, शायद यह ऐना हमें वहीं कहीं पर मिल जाए। एना आर प्रोस्टिक विला, कहीं ये उसी का घर तो नहीं? हेलो सर, सर एना का घर मिल गया है। मिस एना, दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से हैं। देखो ऐसे गन नहीं चलाते, पीछे हट जाओ, सब पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। गन फेंको, गन नीचे फेंको, बेवकूफी मत करो, देखो तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, गन नीचे। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे साथ जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, सुना? अरे हम तो ये करना भी नहीं चाहते है ना, देखो है ना हमें मालूम है तुमने खून नहीं किया है, तुम तो एक गलतफहमी के शिकार हो, मेरी बात सुनो, वो गन मुझे दो, ला चली जाओ यहाँ से प्लीज। घबराने की कोई बात नहीं, किसी के पास भी गन नहीं है, लाओ तुम्हारी गन मुझे दे दो। ऐना, अब तो तुमने ये साबित ही कर दिया कि अमोद का खून तुमने ही किया है, बस अब ये बता क्यों किया तुमने उसका खून? मैं कुछ नहीं कहूंगी। देखो इस जवाब से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है। जुर्म? आप लोग मुझे क्रिमिनल कह रहे हैं क्योंकि मैंने अमोद का खून किया, और उस बदमाश का क्या जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था? धोखा? मतलब तुम्हें पता था कि अमोद ही नकली मेहुल है? हाँ? मैं मेहुल से बहुत प्यार करती थी और इसी बात का फायदा अमोद ने उठाया। मेहुल के मरने के बाद अमोद ने मेहुल का चेहरा अपना लिया और मेरे साथ प्यार का नाटक किया, और जिस दिन मुझे इस बात का पता चला ना, मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अमोद को नहीं छोड़ूंगी, बस मार डाला मैंने उसे। जो अमोद ने किया वो गलत था, लेकिन उसे सजा देना तुम्हारा नहीं कानून का काम था, अब इस खून की सजा तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।